हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भावना की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्तों की पकौड़ी, जिसे कहीं कहीं घुइया के पत्ते भी कहा जाता है, और इन पकौड़ियों को हमारे यहाँ तो सिहुड़ा कहा जाता है। आप सभी के यहाँ इसे क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हम इन पत्तों को डंडी से इस तरीके से काट लेंगे, और हमेशा ध्यान रखें अगर हमें पकौड़ी बनानी है तो पत्ते हम हमेशा छोटे ही लाएंगे, क्योंकि बड़े पत्तों के जो ऊपर का ये पीछे का पार्ट होता है, जो नसें होती हैं इनकी, ये बहुत मोटी होती है, जिसकी वजह से गले में ये लगने लगती हैं, और जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं उनकी पकौड़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो हम इन सभी को इस तरीके से कट कर लेंगे, और फिर हम इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि ये हरी सब्जी है और हरी सब्जियों को हमेशा हमें बहुत अच्छे से धुल के खाना चाहिए, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं। तो इन्हें अच्छे से हम एक एक पत्ते को खोल खोल के अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इसके लिए बैटर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इन्हें हम इस तरीके से कट कर लेंगे, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ इसमें डालेंगे, थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें हम, और करीब एक चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे। और ये हमने चावल भिगो के रख दिए थे करीब 4 घंटे पहले, तो आपको 4 घंटे पहले ही भिगोने हैं, और अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 4 घंटे पहले से भिगो दिया था। अब हम जो लहसुन प्याज का हमारा पूरा सामान है, इसे हम पीस लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दो हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, जब तक ये थोड़ा सा स्पाइसी नहीं होता है तब तक खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमने मसालों को पीस लिया है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और जो चावल हमने भिगो के रखे थे अब हम उन्हें भी पीस लेंगे। हल्का सा दरदरा रखना है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा हमें दरदरापन ही रखना है चावलों में। चावल डालने से काफ़ी अच्छे कुरकुरे होते हैं, और जब हम इन्हें फ्राई करते हैं डीप फ्राई, तो ये तेल भी कम एब्जॉर्ब करते हैं। अब हम चावल को भी पीस लेंगे, अब जिस बाउल में हमने लहसुन प्याज वाला पेस्ट रखा था उसी में हम ये चावल का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, बेसन हमें इतना डालना है कि इस बैटर में थिकनेस आ जाए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम पत्तों पे लगाएंगे तो ये बहेगा इधर उधर। अब इसमें बेसिक मसाले नॉर्मल, जैसे नमक डाल दिया हमने, हल्दी पाउडर डाल दिया है, और धनिया पाउडर डाल देंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप धनिया पाउडर को स्किप कर सकते हैं, और हरी धनिया है अगर आपके पास तो आप उसे कट करके डाल सकते हैं। दो मैंने नींबू लिए हैं, इन्हें भी हमें इसी बैटर में डालना है, इन्हें हम निचोड़ लेंगे इसमें, जिससे खट्टापन आ जाए। अगर आप खटाई डालना चाहते हैं तो आप खटाई भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बैटर पतला लगे तो आप इसमें बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, पर बहुत पतला हमारा बैटर नहीं होना चाहिए, यह आप हमेशा ध्यान रखिए। अभी हल्का सा पतला है तो मैंने इसमें एक चम्मच बेसन और मिला दिया है। अब हम पत्ते लेंगे, सबसे नीचे का पत्ता हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बड़ा हो, कि जिससे बाद में जब हम इसे लास्ट में लपेटेंगे तो हमें हेल्प रहेगी थोड़ी सी। तो हमने नीचे का जो पत्ता है वो थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, बाकी ऊपर हम सारे पत्ते छोटे ही लगाएंगे। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बस बड़े वाले पत्ते में आपको खटाई की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, जिससे कि वो गले में लगे ना। अब हम इस तरीके से एक के ऊपर एक पत्ते रख के इसे ये बैटर लगाते हुए बना लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा हमें इसे नहीं करना है, क्योंकि फिर हम जब इसे फोल्ड करके लपेटेंगे तो हमें दिक्कत होगी, ये बार बार खुल जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है। आप देख लीजिए अच्छे से कि किस तरीके से और कितने पत्ते मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। अब हम इसे इस साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा बैटर इसके ऊपर लगाएंगे, इस साइड से भी इसे हम फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा बैटर इस पर और लगाएंगे, जिससे पत्ते अच्छे से चिपक जाए।
अब इसे हम ऐसे राउंड राउंड करके हाथों की हेल्प से साइड्स के पत्तों को दबाते हुए राउंड राउंड कर लेंगे और ये हमारा एक बेहतरीन रोल बनके रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सभी रोल्स को बना लेंगे। बहुत इजी है, अगर आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा फिर आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे। देखिए, चार रोल करीब मैंने बना लिए हैं। अब इडली स्टैंड में ऐसे हल्का सा ऑयल ग्रीस करके मैंने इसी के ऊपर इसे रख के बनाया है। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप भगोने में पानी रख के उसके ऊपर जो छेद वाली छन्नी होती है हमारी स्टील की, उसके ऊपर रख के भी इसे स्टीम कर सकते हैं। बस हमें इसे स्टीम करना है। आप किसी भी तरीके से कर लीजिए जो आपको सही लगे। इसी में मैंने इसे नीचे पानी रख के ऊपर से सभी को रख दिया है और अब हम इसे करीब 20 मिनट तक स्टीम होने देंगे, क्योंकि अंदर तक पकना होता है तो इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये पक चुके हैं तो अभी तो ये हल्का सा गर्म ही है, लेकिन आप इसे हमेशा ठंडा करके ही काटें। तो अब हम इसे इस तरीके से चाकू की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। जब हम इसे काटते हैं तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसी तरीके से हम पूरे रोल को कट कर लेंगे। जब ठंडा होता है तो बहुत ईजिली कट जाता है, अभी गर्म है तो इसलिए जल्दी से कट नहीं रहा है, सॉफ्ट ज़्यादा है। तो अब इन पकौड़ी को ऐसे फैला देंगे हम, थोड़ा सा इसे 10 मिनट ठंडा होने देंगे। ये 10 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा तब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आपको जिस भी ऑयल में इसे फ्राई करना हो आप वो ले सकते हैं, और या फिर आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ जब तक हमारी पकौड़ियाँ तल रही हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे जो लाइक का बटन दिया है उसे प्रेस कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इस तरीके से हम सभी को उलट पुलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, अब सुनहरा सा कलर आ गया है इसका। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेटिंग के लिए। इसे आप हरी धनिया चटनी के साथ या चाय के साथ, जैसे आपको पसंद हो, आप सर्व करिए। इस तरीके से हमारी अरबी के पत्तों की पकौड़ी बनके रेडी हो गई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू ऑल, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी करिए।